स्टेट गवर्नमेंट ने असम राइफल्स को हटा दिया तो ये मतलब कुकी सब खत्म होगा, खत्म हो रात भर कोई नहीं सो पाते हैं। अपना गांव बचा के और अपना परिवार को बचा के हम खाली डिफेंस करे हैं, अभी तक खाने पीने का नहीं है और दवाई नहीं है, सब परेशान हो गया है, कहाँ से शुरू करना कहाँ ख़त्म करना। हम जेनिम्स रिम्स हॉस्पिटल में इतना डेड बॉडीज जो 3 महीना से पड़ा, आधार कार्ड है आई कार्ड है मुझे नहीं पता, सबमिट करा के फिर गन देते हैं। कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट और कौन होंगे? मणिपुर का तो फिलहाल आप लोग को पता है कि 3 महीना हो गया और रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है और अभी तक चल रहा है 3 महीना से, और अभी भी सब बिखरा है, गांव नहीं है और घर नहीं है और सब परेशान है, कोई खाना कोई पीना कुछ दवाई ना, हॉस्पिटल ना डॉक्टर्स है, परेशान तो परेशान ही चल रहा है। और अभी भी इम्फाल में भी जल रहा है, लांगोल में, और असम राइफल्स को विथड्रॉ करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हमारा मांग ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को विथड्रॉ नहीं करना। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने असम राइफल्स को हटा दिया तो ये मतलब कुकी सब खत्म होगा। हमारा थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिला है असम राइफल्स से, क्योंकि कोई विश्वास नहीं है अब, क्योंकि सब कमांडोस हो, स्टेट पुलिस हो, वो तो स्टेट स्पॉन्सर हो गया, सब लोग मिला है, इसलिए हमारा कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि स्टेट कमांडोस पुलिस ये लोग अब आगे आगे होंगे, पीछे पीछे मेटे समुदाय होंगे, लिपुन मेटे होंगे और ये आरामबाई तेंगोल होंगे, और ये लोग साथ जाके लेकिन आगे ये कमांडोस पुलिस को आगे भेजते हैं, फिर पीछे पीछे और जलाना, आग जलाना और बंदूक और फायरिंग शुरू, मारना शुरू, पीटना शुरू, रोज़ दिन भर रात भर कोई नहीं सो पाते हैं। अपना गांव बचा के और अपना परिवार को बचा के हम खाली डिफेंस करे हैं अभी तक, इसीलिए हमारा मांग ये है कि असम राइफल्स रहे और विथड्रॉ ना करें, और अगर कुकी समुदाय को अगर थोड़ा सा, मैं अपील करती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, थोड़ा सा अगर आप लोग को मदद करना चाहते हैं, असम राइफल्स को पावर दियो ताकि दोनों समुदाय कम्युनिटी को सेफ हो जाए और थोड़ा शांति हो जाए। और हमारा खाली ये मांग है, कुछ नहीं चाहिए, हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए हमको, हमारा मांग ये है और कुछ नहीं मांगते हम। अभी आपकी दिग्विजय सिंह जी से बात हुई है, अभी क्या बात हुई उसमें? दिग्विजय सिंह के साथ हमारा कोई और बात तो नहीं है, बस ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसी का ही है कि मिस्टर दिग्विजय सिंह ने ग्राउंड जीरो का कैसे है, क्या हाल है, मैंने जितना बता दिया अभी जो बताया वही बताए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है, खाना पीने का नहीं है और दवाई नहीं है, सब परेशान हो गया है, कहाँ से शुरू करना कहाँ ख़त्म करना हमें नहीं पता है, क्योंकि सब आदिवासी लोग परेशान है। मैं ये अपील करना चाहती हूँ, हिंदुस्तान का हिस्सा है क्या मणिपुर? फॉरेन कंट्री है, कोई किसी और का जगह है? मणिपुर कहाँ का है? मणिपुर हिंदुस्तान की है, हिस्सा है, तो मणिपुर का इतना दंगाल, इतना प्रॉब्लम चल रहे है, स्थिति खराब है 3 महीना से, तो आप लोग क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं? आप लोग मीडिया को भी मैं विनती करती हूँ, आप लोग भी हकीकत बताइए ताकि सामने अपना हकीकत वो सबको मालूम पड़े, पता चले। 3 महीना हो गया है, आज 3 है ना, 3 तारीख है, पूरा 3 तारीख, 3 महीना खत्म, आप बताइए जरा सा फर्क नहीं है। तो क्या आप लोग जो है इस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक कुछ भी? कुछ नहीं, अगर कुछ होता तो आप लोग को भी पता होता, क्यों इंसान अभी तक मरेंगे, अभी तक आग जलता क्यों है भाई? जेनिम्स रिम्स हॉस्पिटल में इतना डेड बॉडीज जो 3 महीना से पड़ा, वो देना नहीं चाहते हैं, कोई बंदा ने, मैं नाम नहीं लूँगी,
सॉरी कोई बंदा ने कहा है कि जो डेड बॉडीज पड़ा है मॉक में 3 महीना से, कह रहे हैं एक शब्द इनफिल्ट्रेटर्स। क्या तू एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, इनफिल्ट्रेटर्स कैसे आपने एक शब्द में ख़त्म किया? नहीं, आपने एक शब्द पे क्यों कैसे ख़त्म किया? क्या आपके पास प्रूफ है, इनफिल्ट्रेटर्स का प्रूफ है? अगर इनफिल्ट्रेटर्स होता तो भाइयों बहनों उनकी माताओं पिताओं और बीवी बच्चा क्यों रोते रहेंगे 3 महीना से? ये सोचने की बात है। वहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है बंदूक लेकर के लगातार जो है रात में निगरानी करते हुए देखे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बंदूक? मैंने तो नहीं देखी है, छोटा छोटा बच्चा, बस मैं इतना देखी हूँ, मैतेई लिपुन मैतेई का कम्युनिटी, मैंने नहीं देखे है। साफ बता दूँ, मैं देख रही हूँ ओनली मैतेई ग्रुप, मैतेई कम्युनिटी जो बंदूक पकड़ा और आर्म्स एंड गन्स और मोटर और बॉम्ब्स एम्यूनिशंस वो स्टेट स्पॉन्सर है, तभी तो सब वो लोग के पास है, अदरवाइज कहाँ से लाएंगे? ये बताइए भैया, साफ 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 है। आप कोई तो स्पॉन्सर किया, तभी तो आप अपना कपड़ा जूता खाना पीना तो मिला है ना, माँ बाप ने स्पॉन्सर किया तभी तो आपको खाना पीना और पढ़ाई लिखाई मिला ना। उसी तरह सेम वहाँ पे भी स्टेट स्पॉन्सर हुआ अम्यूनिशंस, इतना 4,000 to 5,000 कैसे गायब हुआ? लूटा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी तक जो है मैतेई समुदाय जो है उनके पास बहुत से हथियार हैं, अभी भी जो है बहुत अभी भी है, क्योंकि अपना कार्ड सबमिट कराते, आई कार्ड, कौन सा कार्ड है, आधार कार्ड है, आई कार्ड है, मुझे नहीं पता, सबमिट करा के फिर गन देते हैं। कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट, और कौन होंगे, कौन होंगे? अदरवाइज कहा कैसे आर्मरी से चोरी हुआ? सोचने की बात है ना, बस ये है भाई।